प्रिय लोग को भी नरेंद्र मोदी खरीद ले रहे हैं, मीडिया को भी मोदी हाँ, मीडिया को भी इशारा से चल रहे हैं मीडिया लोग भी। अच्छा, नहीं चलोगे तो तुम्हारा लाइसेंस नहीं। भैया हम सोशल मीडिया वाले हैं भैया, कौन क्या है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? इनसे तो अच्छे तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, चिराग पासवान एक ऐसा नेता है कि जातिवाद नहीं करता है। हम जर्नल से हैं लेकिन चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं। चुनाव आता है तो क्या चाइना जो लड़ाई हो गया, पाकिस्तान जो लड़ाई हो गया, चुनाव का पहला कहीं नहीं होता है लड़ाई। शाही अफसर को डरवाया धमकाया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, मेरे 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 इशारे पर चलो, बंदर की तरह नचा रहे हैं। निर्वंश छोड़ के कोई भी बन जाए, वंश वाला बन जाए, योगी जी बन जाएंगे। कटी योगी जी, राहुल गांधी भी तो निर्वंश है भैया। भोजपुर में जाने वाले हैं तो डीएम साहब संरक्षण कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उनको किस जगह ले जाया जाए। अरे भाई, समाधान यात्रा का मतलब भी हुआ, पूछ रहे बिहार में शिक्षा व्यवस्था मोदी जी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार देख रहे हैं? नीतीश कुमार देख रहे हैं तो मोदी जी मोदी हैं बिहार के, कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, सबके बुरे दिन आ गए हैं, हमको भेज रहे, हम उनके बाद क्वेश्चन करेंगे। सामने मोदी जी आ जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन आने दीजिए, हम अब आप क्या बोलेंगे? आप मोदी जी हैं, उनको मोदी जी आपके सामने आएंगे, सब कह रहे हैं मोदी छोड़ के, मोदी देश को बर्बाद कर दिया, मोदी देश को बर्बाद कर दिया भैया। हर लोगों को वो अच्छा काम किए करे, अच्छे दिन आ गए हैं भैया। उज्ज्वला योजना आया, पेंशन योजना आया, जब जब चुनाव आता है ना तब इस देश जोड़े लड़ाई, उस देश जोड़े लड़ाई, कोई ना कोई देश जोड़े लड़ाई हो जाता है, कोरोना आ जाता है, ऐसा ना जाता। अब भी देखिए फिर अभी क्या कर दिया अमित शाह, राम मंदिर का नीति कर दिया, उद्घाटन करेंगे 2024 में। जब चुनाव आया तो 2024 में, 2023 में क्यों नहीं कर रहे हैं? तैयार हो गया तो कहना है, चुनाव के समय पर कीजिएगा, चुनाव का जब वोटिंग का समय, वोट लेने के लिए सबका प्रक्रिया अपनाते हैं। आप हिंदू है ना? क्या आप हिंदू है? हिंदू है तो राम मंदिर बनने से खुशी नहीं हुई आपको? तो राम मंदिर 2023 में उद्घाटन कीजिए, 2025 में चुनाव बाद कीजिए ना उद्घाटन, काहे चुनाव के समय कर रहे हैं? चुनाव के पहले आप लोग वोट कीजिएगा पहला। नहीं मोदी, मोदी वोट नहीं, मोदी देश को बर्बाद कर दिया, मोदी जितना जल्दी यहाँ से जाए। अच्छा, राहुल गांधी आ जाएंगे उसके छोड़ के कोई आ जाए, कुत्ता भी बनेगा ना तो कुत्ता को वोट देंगे, लेकिन आपको वोट कीजिएगा लेकिन मोदी को नहीं करेंगे ना। बाप रे बाप, कौन आएगा? जाति का लाइफ बर्बाद कर दिया, वित्त रहित शिक्षक का बर्बाद कर दिया, आशा को बर्बाद कर दिया, ठीक है, जितने मतलब यहाँ पे है सबको, हाँ सरकारी कम अनुबंध पकड़ दिया, अनुबंध पकड़ने के लिए पैसा दीजिए, वोट लीजिए। बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं मोदी जी से। हम वो चीज देख रहे हैं, वो चीज हम देख रहे हैं सब चीज, क्या बीत रहे टीचर हैं, बीत रहे टीचर हैं, इतना पढ़ा रहे हैं ना बच्चा लोग को, आ कोई उनको क्या तो मानदेय भी नहीं मिला, अनुदान भी नहीं सही से मिल रहा है, पेमेंट के बाद दूर छोड़िए क्यों नहीं पेमेंट मिल रहा है। स्कूल में चल कर देखिए तो सरकारी अब टीचर हैं, आपको 1,05,000 रुपया महीना है, आप नहीं आ रहे हैं पढ़ाने, जो अनुबंध पे है, जो बीत रही टीचर है वो लोग आ रहे हैं पढ़ाने, समय से पढ़ा रहा है, समय से एजुकेशन दे रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए, समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, तो समान वेतन नहीं दे रहे हैं तो आप अनुदान भी क्यों नहीं दे रहे हैं? निजीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं आप? क्या निजीकरण को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या नहीं सपोर्ट करेंगे? मोदी जी हटाए, मोदी जी हट जाए, मोदी जी हट जाएगा देश बच जाएगा। मोदी जी हटने चाहिए कि रहने चाहिए? हटना चाहिए, मोदी जी हटना चाहिए, कोई भी आए और अच्छा आए, सबको देश को चलाए, भाईचारा रहे, समझे, कोई चीज का ये नहीं कि इलेक्शन आ रहा तो मंदिर या मस्जिद का बुंदर आने से भाईचारा खतरे में है। हम ये बात नहीं, क्यों नहीं, अभी जब से 2014 से खतरे में है, कोई एक दूसरे को अच्छे से बात नहीं करता, कोई नहीं कर रहा, सीधा खतरा में है, अब लोग किसी से बात नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं, मोदी देश को बर्बाद कर दिया, काहे दम बर्बाद कर दिया, हर जगह बस अपना सुनकर है, मोदी जी का विकास है, पब्लिक का विकास नहीं, आम जनता मर रही है, हम जो गैस का देखिए ना, गैस जब पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया, आपको कोरिया से रशिया से आ रहा कम दाम में आ रहा, पब्लिक को क्या आ रहा है? अंबानी के पेट में जा रहा, अंडानी का जा रहा, गवर्नमेंट किसमें क्यों नहीं जा रहा प्लांट में? अंबानी अडानी को जा रहा, आप लोगों को नहीं आ रहा, हम लोग आम जिंदा कितना हो रहा, 1200 रुपया आ गया इसका, 1190 रुपया। जितने भी लोग है सभी लोग मोदी जी का विरोध कर रहे, लेकिन फिर भी मोदी जी कैसे जीत जाते? वो जीत रहे, उनकी किस्मत है, जो हम नहीं बोल रहे, कोई ऐसा जीत रहे हैं,
पहले पहले की सरकार बोल रही है उनकी माँ का ताकत है इसलिए उनकी माँ की ताकत से क्या लेना देना है ताकत से नहीं आप डीएम है ना आप हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा आपका अगला बार आपको हम ही कर देंगे अफसर शाही अफसर को डरवाया धमकाया जा रहा है पैसा दिया जा रहा है मेरे 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 इशारे पर चलो बंदर की तरह नचा रहे हैं और यहाँ की जनता जो है काम तो मिल नहीं रहा है पैसा की अकाल है पैसा के लिए कुछ भी कर दे रहे हैं यहाँ की मूर्ख जनता है उनको चुन रहा है जनता से अपील है कि नहीं चुने उनको नाम नहीं मीडिया भी वही है अभी क्यों गोदी मीडिया नाम रखा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना वही काम कर रहा है बाकी का मीडिया एक न्यूज आया वही को चलाता है एक मिनट मेरी बातों को सुन लीजिए मेन स्ट्रीम के मीडिया के जितने भी साथी है उनसे ये सभी लोग खपा है क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार जो भी बोलती है वही चलती मीडिया अभी एक्टिव है हर जगह जो सोशल मीडिया के जगह हर सबको मालूम है पर जो मीडिया सरकारी मीडिया है एक ही चीज चलाता है जो है देखा दिया एक बार में वही को चला रहा रिपीट कर रहा पर ये मतलब है मुद्दा नौकरी का मुद्दा है मीडिया लोग है मीडिया लोग को भी नरेंद्र मोदी खरीद ले रहे हैं मीडिया को भी इशारा से चल रहा है मीडिया लोग भी नहीं चलोगे तो तुम्हारा लाइसेंस सोशल मीडिया वाले हैं भैया जी वो बुरा भी बोलता है ना तो मीडिया वाले अच्छा बोलते हैं वही अगर दूसरा कोई देखिए हम खिलाफ हम ये कह रहे हैं कि हम खिलाफ में जाएंगे मेरा भी चैनल बंद हो जाएगा तो हम खिलाफ और पक्ष में नहीं जाएंगे आप लोग जो बोलिएगा वो दिखाएंगे भैया कैसे दिखाइए हम देखते हैं कौन चैनल कौन बनेगा प्रधानमंत्री 24 में भैया अब सर मारे वोटवा देने जाइएगा ना जी जो जिस टाइम होगा क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे थे बोल रहे हैं निर्वंश छोड़ के कोई भी बन जाए वंश वाला बन जाए तो योगी जी बन जाएंगे योगी जी राहुल गांधी भी तो निर्वंश है भैया कांग्रेस थी ना सर कांग्रेस कितना बढ़िया चला रहा था कांग्रेस भी चला रहा था ना पहले बनिया था बीजेपी भी पहले शासन की है ठीक चला रही थी लेकिन जब से ये मोदी जी आए हैं ना सबको मट के रख दिया हाड़ी में कि सब एक चट्टा बट्टा में हो जाओ अच्छा। मटने के बाद चाले को नली में ठेल दो वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं अच्छे दिन सबके बुरे दिन आ गए हैं हमको भेज रहे हम उनके बाद क्वेश्चन करेंगे एकदम सामना सामने हमारे सामने मोदी जी आ जाएंगे तो क्या क्या क्वेश्चन अरे आने दीजिए हम अब आप क्या बोलेंगे आप मोदी जी हैं उनको मोदी जी आपके सामने आएंगे जी मोदी जी आपके नहीं आता चोर आदमी किसी के सामने नहीं आता आप अभी ना बात रखिएगा लोगों के बढ़िया आदमी के सामने बात करता है चोर चमार आदमी सामने नहीं आता है मुस्टोर आदमी तो इंटरनेशनल लेवल पे सबसे आँख मिलाते हैं मिलाते हैं सब रुपया का डल बल पर सुनते हैं कि चुनाव आता है तो कहे कि चाइना जो लड़ाई हो गया पाकिस्तान जो लड़ाई हो गया और चुनाव का पहला कहीं नहीं होता है लड़ाई होगा 24 में चुनाव है ना सर इससे पहले 15 में जब चुनाव हुआ तो पाकिस्तान में बम जाके गिरवा हुआ था ना इस बार फिर 24 में चुनाव है चाइना हम लोग पर चढ़ा लोग फिर झगड़ा होगा हम लोग मोदी जी को चुनेंगे बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं किसी को पप्पू कहने से भैया पेट नहीं चलता अगर राहुल गांधी को हम लोग पप्पू बोल रहे हैं तो उनसे पेट हम लोग का नहीं चल जाएगा राहुल गांधी पीएम बन जाएंगे 24 बहुत बढ़िया आदमी है उनको होना ही चाहिए क्योंकि उनका सत्ता है बहुत अच्छा चलाए थे मगर जब से बीजेपी में हमारे मोदी राहुल गांधी हीरा हीरा आदमी है एकदम हीरा भाई कोहनूर है कोहनूर है हीरा भी नहीं कोहनूर है वो कैसे भैया वो कोहनूर है बहुत तगड़ा हीरा है नीतीश बाबू का देन है मैट्रिक पास में वैकेंसी कौन किया बिहार में कह रहे नीतीश जी किए कि मोदी जी किए मोदी जी किए लेकिन मोदी जी घंटी मांग लेते हैं क्या पूछ रहे बिहार में शिक्षा व्यवस्था मोदी जी देख रहे हैं नीतीश कुमार देख रहे हैं नीतीश कुमार देख रहे हैं तो मोदी जी मोदी बिहार के मोदी जी घंटी मांग लेते हैं बरिश से मुख्यमंत्री बने हुए हैं आज समाधान यात्रा कर रहे हैं क्या समाधान के जनता के सब वही कर रहे हैं अरे किसका बात सुन रहे हैं जाके वहाँ पर जो आशा कार्यकर्ता है कुछ आदमी को वहाँ फिक्स किया जाता है इस गांव में जाएंगे उस गांव में जाकर पेंटिंग कराएंगे ऐसा ही आदमी के पास नीतीश कुमार जी जाते हैं आपको अगर समाधान यात्रा करना है तो आप पब्लिक के पास जाइए बिना किसी को बताए हुए जाइए तब आपका समाधान यात्रा पर चले कितना विकास किए हैं कितना विकास नहीं किए हैं ऐसे जाते हैं कुछ फिक्स आदमी है आशा कार्यकर्ता से मिलेंगे और जीविका दीदी से मिलेंगे वो लोग अगर उनका बड़ाई नहीं करेगा तो लोग का नौकरी
चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? हाँ एकदम ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। अब भोजपुर में जाने वाले हैं तो डीएम साहब संरक्षण कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, उनको किस जगह ले जाया जाए। अरे भाई समाधान यात्रा का मतलब भी हुआ, समाधान यात्रा का मतलब हुआ कि आप किसी भी ने बताया हुआ जाके देखिए, ब्लॉक में जाके देखिए, बिना पैसा के दाखिल खारिज नहीं होता है। कोई पैसा लगता है ब्लॉक में? एकदम बिना पैसा के दाखिल खारिज नहीं होता है। पैसा लगता है ब्लॉक में? पैसा लगता है क्या ब्लॉक में? करवाना है तो आपको दाखिल खारिज के समय है 1 महीना तक, लेकिन लगता है 6 महीना 3 महीना। गरीब के जाकर पूछिए, एक के वाला पर 3,000 लगता है, एक के वाला पर 3,000। समाधान क्या है? कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? इनसे तो अच्छा है तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। चिराग पासवान एक ऐसा नेता है कि जातिवाद नहीं करता है। हम जनरल से हैं लेकिन चिराग पासवान को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जनरल वर्ग से आते हैं फिर भी चिराग पासवान? चिराग पासवान सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। चिराग पासवान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप कौन जाति के हैं? पासवान है हम भी। ई पासवान कर रहे चिराग, लेकिन चिराग पासवान जी है ना किसी भी वक्त किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला आज तक। हाँ क्या कह रहे भैया? ना हम आपके ना कुछ कर रहे। देखिए बिहार के लोग बोलने से भी पीछे हटते हैं। चलिए ये 2024 और 2025 की बात की जाए तो बिहार के लोग नीतीश कुमार से भी खफा है मुख्यमंत्री के लिए और प्रधानमंत्री में और नरेंद्र मोदी से खफा है। देखने वाली बात होगी कि 24 में कौन बनता है प्रधानमंत्री और 25 में किसे बनाएंगे बिहार के लोग मुख्यमंत्री। धन्यवाद।